हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडल्स राइट वंस अगेन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का वीडियो मेरा अभी एक शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि मेरे एक बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम ये है, ये मतलब चेन की खटखट करके आवाज़ आ रही है। मैंने एक बार टाइट करके भी देखा है चेन को, पर वो फिर से लूज हो रही है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं क्या करना मेरा बेहतर होगा, मतलब कि मेरा अभी किलोमीटर देखिए आप, अराउंड 29,936, मतलब पकड़ो कि 30,000 मेरी ये चेंज चली हुई है। तो इसको चेंज करना है या इसको और क्या इसका इलाज है, या मुझे चेंज करना पड़ेगा अभी, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो। मैंने एक बार भी इसको चेंज नहीं किया है। लोगों की चेन तो 12,000 में ऐसे ख़राब हो जाती है, पर ये तो मेरी 30,000 तक चल गई है और ये मुझे अभी प्रॉब्लम दे रही है। थोड़ी सी लूज थी, मैंने इसको ज़रा टाइट करके लेके आया था, तो तब से ये फिर से और लूज हो रही है। तो मैंने मैकेनिक को कांटेक्ट करके बोला था मेरा प्रॉब्लम, वो कह रहा था कि चेंज करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला था कि चेन सेट चेंज करते हैं और चेन भी चेंज करते हैं। वो बोला कि सिर्फ चेन ही चेंज करो, चेन सेट मतलब उसका जो पिछला ये वाला दांत से ऐसा रह जा रहा है, वो भी चेंज मत करना। वो तो मुझे क्या करना चाहिए, चेन या का फुल चेन सेट उसको डालना पड़ेगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि इसका चेन इस आरएच कवर के अंदर से फिट होता है, मतलब अगर फुल चेंज करेंगे तो ये भी खोलना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका इलाज क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मेरा वीडियो देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, तो हमें और खुशी रहती है कि वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू।